दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये हमारा एसर का लैपटॉप है। तो चलिए हम बात करते हैं कि लैपटॉप को कैसे जो है ओपन करते हैं, कैसे इसको चालू करते हैं। तो दोस्तों सिंपली आपको जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा एसर का ये लैपटॉप है, सबसे पहले ये डिस्प्ले को यहाँ पे सीधा कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि मैक्सिमम लैपटॉप में टॉप के लेफ्ट या राइट साइड में पावर बटन होता है। दोस्तों आप देख पा रहे हैं हमारे इस लैपटॉप में राइट साइड में पावर बटन है। तो दोस्तों लैपटॉप को ऑन करने के लिए सिंपली क्या करना, आपको इस जो पावर बटन है सिंपली इसको एक बार आपको प्रेस कर देना है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा जो लैपटॉप ऑन हो रहा है, इस समय ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा है हमारे लैपटॉप के अंदर। दोस्तों यहाँ पे मैंने सिक्योरिटी पर्पस के लिए अपने लैपटॉप में पासवर्ड इंटर कर रखा है, तो चलिए मैं यहाँ पे पासवर्ड इंटर कर देता हूँ। और फाइनली दोस्तों आप देख पा रहे हैं जो इंटर है इस पर हम प्रेस करेंगे। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे लैपटॉप जो है ऑन हो चुका है। और दोस्तों सबसे पहले हम अपने लैपटॉप को यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं, और रिफ्रेश करने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रिफ्रेश आ रहा है, इस पर हम प्रेस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे F5 जो बटन है इसको भी प्रेस करके आप अपने लैपटॉप को सबसे पहले आप रिफ्रेश कर देंगे। रिफ्रेश करने से क्या होता है कि जो भी फाइल्स होती हैं वो प्रॉपरली जो है हमारा लोड हो जाती हैं। दोस्तों आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारे लैपटॉप का टच पैड है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये हमारा कर्सर है। तो जैसे जैसे हम अपने फिंगर को लेफ्ट राइट अप बॉटम पे जैसे जैसे इसको मूव करेंगे उसी अकॉर्डिंग हमारा आप देख पा रहे हैं ये हमारा पॉइंटर मूव कर रहा है। और इस पॉइंटर के माध्यम से हम किसी भी फाइल को या प्रोग्राम को सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों लैपटॉप कैसे चलाते हैं इसका वीडियो मैंने पहले से ही बना के जो है अपने चैनल पे लोड कर रखा है, जिसका आई लिंक आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, या आप इसका डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक वहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं फाइनली कि लैपटॉप को कैसे क्लोज करेंगे। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में जाएंगे, स्टार्ट बटन बोलते हैं इसको, और यहाँ पे ले जाने के बाद जो है हम यहाँ पे जो टच पैड है इसको एक बार यहाँ पे प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये जो आइकन दिख रहा है पावर का, आपको इस पर प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे तीन ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे पहला जो स्लीप ऑप्शन का मतलब जैसे ही हम इस पर प्रेस करेंगे तो जो मॉनिटर का जो सप्लाई है वो ऑफ हो जाएगा, और इससे हमारा जो बैटरी की बचत होगी। दूसरा जो यहाँ पे शट डाउन, जिससे हमारा जो लैपटॉप है ये क्लोज हो जाएगा, और स्टार्ट का मतलब हमारा लैपटॉप बंद होने के बाद पुनः चालू हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों फाइनली हम बात करते हैं शट डाउन की। तो दोस्तों यहाँ पे जो शट डाउन लिखा है इस पर हम प्रेस करेंगे। तो दोस्तों देख रहे हैं हमारा जो लैपटॉप है ये शट डाउन हो चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि आप लैपटॉप को कैसे सही तरीके से ऑन करेंगे और कैसे उसको बंद करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक थैंक यू, हैव ए नाइस डे।